किसान भाइयों नमस्कार। आज का ये जो वीडियो है विशुद्ध रूप से किसानों के लिए है, और वैसे तो खेती के सारे विषय किसानों के लिए होते हैं, तो आज का जो विषय है खेती में कॉमन सेंस। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे देश के किसानों ने पिछले 60 सालों से खेती में अपना कॉमन सेंस लगाना बंद कर दिया है, दूसरे की बातों से प्रभावित हो करके। देखिए आप विषय, दूसरे की बातों से प्रभावित होकर के अपनी खेती कर रहे हैं। ये जो दूसरा शब्द है, दूसरे का मतलब ये है कि जो लोग किसान को कहते हैं ऐसे खेती करो। हमारे कुछ किसान भाई, जैसे हमारी आमने सामने जब बात होती है तो कहते हैं सचान साहब फायदे भी हैं, आधुनिक कृषि तकनीकी के अनुसार जो खेती में मैं कदम बढ़ा रहा हूँ उसके फायदे भी हैं। मैं कहता हूँ निश्चित फायदे हैं, लेकिन आज जो फायदा हमको दिख रहा है वो कल भी फायदा बना रहेगा। विषय ये है, क्योंकि आपको जो व्यक्ति मोटिवेट कर रहा है उसमें अगर आपने अपना कॉमन सेंस नहीं लगाया तो क्या होता है। आधुनिक कृषि तकनीकी के आधुनिक जो फायदे की दुनिया है उसके दुष्परिणाम आपके साथ क्या होने वाले हैं इनको भी महसूस करना, यही आपका कॉमन सेंस है। देखिए आप, एक किसान है, जिसने पिछले 50 सालों से आधुनिक कृषि तकनीकी के अनुसार खेती करना शुरू किया, उसकी पैदावार भी बढ़ी, उसको फायदे भी हुए, रुपए के केस में, रुपए के मूल्य में जब देखते हैं तो उसकी आमदनी बढ़ गई। एक सीमा तक आमदनी बढ़ी और उसके बाद वो डाउन आने लगा। मैं आपको 25-30 साल पहले की घटना बताता हूँ कि आलू एक एकड़ में 60-70 बोरा आलू निकलता था, आज वो 50 कट्टा आलू निकलता है। लागत बढ़ गई, पैदावार घट गई। देश में जो कृषि उपज के आंकड़े हैं तो दो चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। एक ये, वैज्ञानिकों का एक दावा ये है कि अब उत्पादन में ठहराव आ गया है। सुनना, बहुत लोग कहते हैं अब उत्पादन में ठहराव आ गया है, कि यानी अगर एक किसान ने 50 कुंटल गेहूं आज के 15 साल पहले पैदा किया था तो अब वो 50 पर ही स्थिर हो गया है, अब वो 52-55 की ओर नहीं जा रहा है। एक और चीज कहते हैं कि उत्पादन गिरने भी लगा है, कई फसलों में उत्पादन 25 साल के मुकाबले आज डाउन मारने लगा है। कॉमन सेंस मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, अब जब उत्पादन में ठहराव आ गया, उत्पादन कम होने लगा, उसके बावजूद भी उत्पादन को बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार के निवेश आपको बेच रहे हैं, नाना प्रकार की तकनीकियां बता रहे हैं, और वो अपना बिजनेस
अच्छे से चला रहे हैं। कॉमन सेंस क्या कहेगा? कॉमन सेंस के द्वारा यह पता करना है कि जिस जमीन पर आप खेती करते हैं, एक तो कॉमन सेंस ये बता दूं, आप खेती नहीं करते। देश के 70% किसान अब खेती नहीं करते, वो क्या करते हैं? फसल उत्पादन करते हैं। और धीरे धीरे फसलों के उत्पादन को भी मैं खेती ही कहता हूं। खेती, फसलों का उत्पादन खेती नहीं है। कॉमन सेंस के द्वारा यह पता करना है कि खेती होती क्या है, तो खेती में बता दूं, खेती में फसलें होती हैं और नाना प्रकार की फसलें होती हैं। बहुत सारे किसान तो केवल सिंगल क्रॉप करते हैं, मतलब गन्ना ही बोते हैं, आलू ही बोते हैं, या धान गेहूं की खेती कर फसल को बोते हैं। खेती में अपनी जरूरत के हिसाब से हर प्रकार की फसल बोना, ये कॉमन सेंस है। खेती में अपनी जरूरत के हिसाब से हर फसल बोना, रोटी के लिए खाद्यान्न बोना, दाल के लिए दलहनी फसलें बोना, तेल के लिए तिलहनी फसल बोना, गुड़ के लिए गन्ना बोना, सब्जियों के लिए सब्जियां बोना, फल के लिए कुछ फलदार वृक्ष लगाना, एक चीज। दूसरी चीज पशुपालन, तीसरी चीज, क्योंकि खेती फसलों का संपूर्ण कारोबार हम खेत में करते हैं, जमीन में करते हैं, जिसको माँ कहते हैं, धरती माँ। माँ की सेहत का ख्याल रखना एक आपका कॉमन सेंस है, जहां मैं ले चलना चाहता हूं आपको। नहीं तो ध्यान रखना कि आप फायदे की ओर दौड़ते रहोगे और एक दिन ये माँ आपके सामने हाथ खड़े कर देगी कि बेटा अब मैं तुमको कुछ नहीं दे पाऊंगी। कारण क्या है कि भूमि के जैविक गुण क्या है आपको समझा देता हूं। जैविक गुण का मतलब है जमीन में नाना प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, कुछ आंखों से देखते हैं, कुछ आंखों से नहीं देखते। उनमें ज्यादातर लाभदायक हैं, कुछ हानिकारक हैं। और प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति का नियम है कि लाभदायक जीव जंतु हानिकारक जीव जंतुओं पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। जैसे कि 50 साल पहले हम फसलों में फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग नहीं करते थे और ना इतने कीट थे, ना इतनी बीमारियां थी। लेकिन जब मतलब नेचुरल कंट्रोल था, लेकिन धीरज से मेरे जेहन में बात डाली गई कि आपके खेत में सरसों में माहू लगती है क्या? बोले हाँ लगती है। तो बोले अगर उसके नियंत्रण के लिए ये रसायन डालोगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा। अच्छा लगा, हमने वो रसायन डाला, माहू मरा कि नहीं मरा? मधुमक्खी मर गई। किसी ने कहा आपके खेत में क्या दीमक लगती है? तो हमने देखा है कि हाँ खेत में दीमक है और कुछ पौधे हमें लगता है दीमक की वजह से ही नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने कहा हाँ दीमक लगती है। बोले इसीलिए अगर आप दीमक को मारने के लिए ये दवा डालोगे तो दीमक जो नुकसान करती थी उससे आप बच जाओगे और आपको फायदा हो जाएगा। तो हमने दीमक मारने के लिए दवा डाली, दीमक मरी या नहीं मरी हमें नहीं पता, लेकिन केंचुआ मर गया। अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है कि एक बर्मी कंपोस्ट केंचुआ पालन की बात चल रही है, दूसरा कहते हैं आधुनिक कृषि यंत्रों में रोटावेटर एक इतनी अच्छी मशीन है कि जो सामान टिलर 3 जुताइयों में करता है, रोटावेटर एक ही बार में काम कर देता है। और ये कहते हैं केंचुआ जमीन का मित्र है। तो हम रोटावेटर चलाते हैं और अगर जमीन में मेरे केंचुए तो वो मर जाते हैं। किसान के लिए कॉमन सेंस ये है कि मेरी जमीन का वैभव, जमीन की गुणवत्ता जिसमें भूमि के जैविक गुण हैं,
भूमि के भौतिक गुण हैं, भूमि के रासायनिक गुण हैं, ये बरकरार रहें। क्योंकि ये जब बरकरार रहेंगे या इनमें सुधार होगा तो मेरा उत्पादन स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, ये है कॉमन सेंस। अगर जमीन के जैविक भौतिक और रासायनिक गुण खराब हो गए तो हमारा उत्पादन निश्चित गिरेगा, और जब उत्पादन गिरेगा तो आपको फिर लोग समझाएंगे कि ऐसा करोगे तो उत्पादन बढ़ेगा। मैं क्या कहता हूँ कि कॉमन सेंस का अगर इस्तेमाल करोगे तो दो तीन चीज़ों का ख्याल रखिए कि जिस प्रकार एक व्यवसायी होता है, व्यवसाय बिजनेसमैन, आपने देखा होगा आप अपने शहर कस्बे में किसी परचून की दुकान में, किसी कपड़े की दुकान में अपना सामान लेने जाते हो, उसकी दुकान 25 साल पहले जितनी थी आज उससे दो गुना खूबसूरत हो चुकी है, यानी दुकान की साज सज्जा भी बढ़ गई है, दुकान में सामान भी ज़्यादा आ गया है, वैरायटियाँ भी ज़्यादा आ गई हैं। तो बिजनेसमैन अपनी दुकान को बढ़ाता है, और अगर कृषि को व्यवसाय का दर्जा दे रहे हैं तो आपकी दुकान क्या है? आपकी दुकान ये जमीन का टुकड़ा है। जब आप अपनी दुकान पर नज़र डालते हो तो पता चलता है कि आपकी दुकान घट रही है, यानी जमीन के गुण खराब हो रहे हैं, जमीन की प्रॉपर्टीज खराब हो रही हैं, जमीन के नीचे का पानी और नीचे जाता जा रहा है, खेत के आसपास की बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही है, गांव का जलाशय सूख गया, गांव में चिड़िया नहीं है, गांव में मेंढक नहीं है, खेत में केंचुआ नहीं है, गांव में तितली मधुमक्खी नहीं है। तो मैं बार बार कहता हूं कि कृषि का संपूर्ण दारोमदार प्रकृति के वैभव पर निर्भर है, और प्रकृति के वैभव की जब बात आती है तो पहला प्रकृति का वैभव है भूमि की उर्वरता, दूसरा है जलवायु, और एक इशू और है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें मैंने बता दिया केंचुआ है, चिड़िया है, मधुमक्खी है, तितली है, जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं। ये जो विषय मित्र मेरा है कॉमन सेंस का, खेती में कॉमन सेंस, जो व्यक्ति, जो बिजनेसमैन, जो दुनिया में लोग अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं वही उन्नति की ओर जाते हैं, और जो अपने कॉमन सेंस को बिल्कुल बंद कर देते हैं, मतलब अपने अंतर्मन से सोचना खत्म कर देते हैं और लोगों से पूछते हैं कि भाई साहब अब मैं क्या करूं, कौन सी फसल बोऊं, कितने फर्टिलाइजर डालूं, बीमारी के लिए कौन सी दवा यूज करूं, तो आप देखिए दो तीन प्रकार के किस्से चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जैविक खेती करो, यानी जैविक प्रोडक्ट बेचने वाले अलग मोटिवेट कर रहे हैं, रासायनिक प्रोडक्ट बेचने वाले अलग मोटिवेट कर रहे हैं, ट्यूबवेल खोदने वाले अलग मोटिवेट कर रहे हैं, कोई कहता है केले की खेती करो, कोई कहता है एलोवेरा की खेती करो, कोई कहता है इसकी खेती करो, इसमें ज्यादा फायदा है। हमने देश में ऐसे बहुत किसान देखे जो फायदे के लालच में कुछ नया किए और बर्बाद हो गए। तो ये दुनिया आपको, मतलब दुनिया के लोग जो किसान को, और मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि ये कृषि संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरापया पर यकीन करती है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावयेत्। और जब हमारे देश के किसान कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते थे तो देश का किसान कभी आत्महत्या नहीं करता था, देश का किसान कभी घाटे में नहीं था, और हमने चूंकि कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया इसलिए देश का किसान घाटे में है। बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहेंगे, अपने चक्षु खोलिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से पूछिए, और क्या पूछिए
कि ये 5 एकड़ जमीन का टुकड़ा जिस पर मैं खेती करके अधिक लाभ लेना चाहता हूँ, मेरे मरने के बाद इसी जमीन के टुकड़े पर क्या आपके बच्चे खेती कर पाएंगे? तो आपको पता चलेगा कि आपको फील हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि लगता तो नहीं है कि मेरे बच्चे इस जमीन पर खेती कर पाएंगे। तो हमें अपनी प्रकृति के वैभव को बचाना है, हमें भूमि की उर्वरता को बचाना है, भूगर्भ जल को बचाना है, ऐसा सोच करके कि ताकि ये कृषि का सिलसिला निरंतर चलता रहे। और ये जो लोग बताते हैं कि 1950 में उत्पादन कम था, मेरी तकनीकी, मेरी टेक्नोलॉजी, मेरे प्रयासों से आज उत्पादन 270 मिलियन टन हुआ है, तो आप एक चीज़ कॉमन सेंस फिर लगाइए कि फिर मेरा देश, मेरे देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? मेरे गांव में बेरोजगारी क्यों नहीं थी? हमारे चेहरे पर मुस्कान क्यों थी? आज मेरे अपने ही बच्चे शहरों में रोजी रोटी के लिए आखिर क्यों भटक रहे हैं? किसान को आत्महत्या करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऐसे विषयों पर जब आप अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो रास्ता मिल जाएगा, दूसरे लोग आपको रास्ता नहीं बताएंगे। नमस्कार।